हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर योगेश हुसीर वापस आप लोगों के सामने जवाब लेके आया हूँ। जो टेस्ट 9 हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एमसीक्यू का 29th ऑफ सितंबर, उसके आंसर्स लेके बहुत बढ़िया से रिस्पांस दे रहे हो आप। कीप रिस्पॉन्डिंग मी। पहला सवाल जो था उसका आंसर था एमसीक्यू में क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट जो अलाउड नहीं है, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीक्रेट अरेंजमेंट, डज नॉट अलाउड, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो था वो 1930 था। देन क्वेश्चन नंबर 3, 1949 में हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, फार्मेसी एक्ट 1948 पास होने के बाद, ओके। देन 750 आवर्स इन 3 मंथ्स, वो ज्यादा जरूरी है, 4 नंबर का आंसर था, ओके। देन अमॉन्ग्स देमसेल्फ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आर गेट्स इलेक्टेड, ओके, इन द पीसीआई, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट का आंसर बहुत लोगों ने दिया गलत था, 5 साल के लिए जो है पीसीआई होल्ड करता है ऑफिस। देन क्वेश्चन नंबर 7, पीसीआई का जो है उनको उनका फंक्शन आ जाता है टू विड्रॉ दी जस्ट इंस्टीट्यूट अप्रूवल। देन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ऑब्जेक्टिव है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ओपीएम एक्ट वगैरह बहुत लोगों ने सिलेक्ट किया, गलत है वो बिल्कुल ही। देन क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था बहुत बी एंड सी, डीईसी चोपड़ा कमिटी, दोनों को भी बोला जाता है ड्रग इंक्वायरी कमिटी। देन डीसीसी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी इज कॉल्ड एज एडवाइजरी बॉडी लाइक टू द योर डीटीएबी। देन क्वेश्चन नंबर 8 उसका आंसर था आपका शेड्यूल वाई करके आ जाता है। देन हेयर डाइज इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, आई के साथ बाकी की चीजें आ जाती है, इसका मतलब उसमें से कोई आंसर आ जाता है, इट्स बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था ऑल ऑफ द अबोव, ओके। बुक्स में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, हॉस्पिटल में स्टिकर लगा सकते हैं, और एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आपका एडवर्टाइजमेंट कर सकता है किसी भी ड्रग्स का टूवर्ड्स द फिजिशियन, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था ड्यूटी हैज बीन पेड टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था मैजिक रेमेडीज के डेफिनेशन में ही आंसर है मिराकुलस पावर, ओके, इट्स अ राइट आंसर, शोज मैजिक करके नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर है लिस्ट बी, लिस्ट ए लिस्ट बी में कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं वो देख लो पॉइजन एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था शेड्यूल क्यू करके, ये रिपीट क्वेश्चन है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट लिया था उसमें भी मैंने ये पूछा था, रेपेट्रिएट इज कॉल्ड एज रेपेट्रिएट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है पैरासाइट क्यू लिखते हो आप लोग, हंसी छूटती है मेरी बहुत वो समय पे। देन यूजीसी एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था सेंट्रल काउंसिल करके, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा उसमें। देन डीपीसीओ 1991 लेटेस्ट अमेंडमेंट 2013, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका आ जाएगा उसमें, ओके। अमेंडमेंट जो था 2013 का वो भी उसमें आ जाता है। 21 का आंसर था आपका, 22 का आंसर था बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग करके आ जाएगा उसमें, ओके। देन 23 का आंसर था मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 24 का आंसर आ जाएगा आपका जस्ट बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। देन 25 स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन आ जाता है फर्स्ट रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट प्रिपेयर करने का, ओके, पीसीआई जो है वो मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है 1976 रूल्स देयर अंडर, 27 का आंसर था रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर द 10 ईयर्स विच मे बी एक्सटेंड टू द 21 ईयर। करंट इशू के ऊपर ये क्वेश्चन है, ओपीएम एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, ओके, जो आपके न्यूज चैनल में जो केस चल रहा है उसके बदौलत आंसर आप भी लिख सकते हो। 28 का आंसर था ऑल ऑफ दी अबो, ये टर्मिनोलॉजी ड्रग के डेफिनेशन में आ जाती है सबकी सब, ओके, सो इसमें कंफ्यूज होने की कुछ भी चांसेस नहीं होना चाहिए। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आपका, ओके। डीपीसीओ फार्मेसी एक्ट कुछ भी लेना देना नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 30 शेड्यूल एक्स includes the terms, all of the above, include the terms है वहां पे जो word है include the terms, schedule X includes the term, okay, तो उसमें all of the above हो जाएगा, narcotic word भी आएगा, psychotropic भी आएगा, habit forming drugs भी आ जाएगा। देन मेरा एक फार्मा O2 करके एक प्ले स्टोर पे ऐप है, डाउनलोड कीजिएगा टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फार्मा फील्ड, नॉट ओनली फॉर द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर योगेश हुशीर करके, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।